राष्ट्रीय लोकदल की जिला और महानगर इकाई के संयुक्त तत्वावधान में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। मंगलवार को संगठन के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा हुए और अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा गया। प्रदर्शन में मुख्य अतिथि के रूप में मंडल प्रभारी चौधरी तेजपाल सिंह और विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय महासचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ सरकार इंद्रजीत सिंह उर्फ टीटू ने शिरकत की। वहीं इस मौके पर राष्ट्रीय लोकदल द्वारा नियुक्त किए गए दोनों प्रभारियों के संयुक्त नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित 3 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में SDM सदर परमानंद सिंह को पेश किया गया। इसमें कहा गया कि वर्तमान सत्र में 3 महीने गन्ना मिलों को चलते हो गए हैं, लेकिन आज तक गन्ने के लाभकारी मूल्य की घोषणा नहीं हुई। देश में किसान इकलौता ऐसा उत्पादक है जिसको अपने उत्पाद का मूल्य तय करने का भी अधिकार नहीं है। अपने खून पसीने से सींची हुई फसल को मिल मालिकों को देता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि उसकी फसल का कितना पैसा मिलेगा। तो है पूरे प्रदेश में माननीय जयंत चौधरी के आह्वान पर गन्ने का समर्थन और गन्ना भुगतान, वो तीसरी मांग जो हमारी आवारा पशुओं की, तो कम से कम 1 महीने से ये अभियान चला हुआ है। लाखों पत्र जो हम चीफ मिनिस्टर के नाम बाई पोस्ट डाल चुके हैं, लेकिन इस सरकार ने कोई भी जवाब नहीं दिया। आज हम इस ज्ञापन के मार्फत DM साहब मुरादाबाद के मार्फत ये कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार को, अब हमारा पेमेंट करें बकाया, और गन्ने का जो प्रेजेंट में रेट है वो घोषित करें, और जो आवारा पशु हैं उनका प्रॉपर एग्जाम करें, जो खेतों में नुकसान कर रहे, हमारे कितने किसान भाई चले गए गुजर गए जो आवारा पशुओं ने मार दिए। आज हमारे राज्यवास से आकर मैं तेजपाल चौधरी परमारी। इस मौके पर जिलाध्यक्ष अजीत सिंह एडवोकेट, महानगर अध्यक्ष सैयद राशिद अली, जाबिर खान, शहनवाज मलिक आदि लोग मौजूद रहे।